प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता रचना की आधी रात लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता के व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता रचना की आधी रात 1960 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता को समझने के लिए 20वीं शताब्दी के छठे दशक के भारतीय संदर्भ को समझना आवश्यक है। राजनीति की दृष्टि से यह नेहरू काल तथा स्वतंत्रता के पहले देखे और दिखाए गए सपनों का टूटता और मोह भंग का काल था। नेहरू जी एक नए भारत के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे, जिसे कुछ उनके साथ थे और कुछ असंतुष्ट भी। डॉक्टर सदानंद शाही ने केदारनाथ सिंह चकिया से दिल्ली नामक एक छोटी सी स्मृति शीर्षक लेख में रचना की आधी रात में पुलिस विभाग के डीजी सौमित्र शंकर बैनर्जी का उल्लेख भी किया है, जिन्होंने छात्रावस्था में ही इस कविता को पढ़ा ही नहीं था, बल्कि इतने वर्षों बाद भी उन्हें कविता पूरी याद थी। उन्होंने केदारनाथ जी की उपस्थिति में न केवल पूरी कविता संगोष्ठी में सुनाई, बल्कि अपने ढंग से उसके निहितार्थों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा, पुलिस का काम भी रात के आहट सन्नाटे में रहने वाली आवाजों को सुनना है और समाज के दुखों को दूर करना है, आदि आदि बातें। कहने का आशय यह है कि केदारनाथ सिंह की कविताएं विभिन्न वर्गों तक व्याप्त थी। वे केवल साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापकों तक सीमित न थे, बल्कि यह कविता केदारनाथ जी की रचना प्रक्रिया और उसकी कवि दृष्टि को भी समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा कि केदारनाथ सिंह की अनेक कविताओं में बहुआयामियोंता को देखी जा सकती। रचना की आधी रात भी एक ऐसी ही बहुआयामी कविता है। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। अंधकार 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 आती है कानों में, फिर भी कुछ आवाजें बहुत दूर दूर बहुत दूर कहीं आहट सन्नाटे में रह रह कर ईंटों पर ईंटों के रखने की, फलों के पकने की, खबरों के छपने की, सोए सहतूतों पर रेशम के कीड़ों के जगने की, बुनने की। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि केदारनाथ सिंह जी की रचना कि आधी रात कविता से अवतरित है। यह कवि ने अपनी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि उनकी कविता बाहर कैसे आती है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यह कहते हैं कि रचना एक प्रकार से अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ती जीवन की यात्रा होती है। जिस प्रकार माँ के गर्भ से शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार रचना कवि के गहरे अंतस्तर में भावों का आंदोलन और उद्वेलन होने के पश्चात ही मूर्त रूप धारण करती है, और इसी प्रकार महत्वपूर्ण और महान अथवा कालजयी रचनाएं संसार के समक्ष प्रस्तुत होती है तथा वे अपने समय के गहन अंधकार से ही जन्म लेती है। प्रस्तुत पंक्तियों में अंधकार के तीन बार आवृत्ति उसकी सघनता का सूचक है।
जिसमें कुछ देखने समझने और परखने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता है। कवि आगे कहते हैं कि बावजूद उस सघन अंधेरे के बीच में से कुछ आवाजें आती है, दूर कहीं बहुत दूर किसी आहट सन्नाटे से आने वाली आवाजों को कवि इस कविता में सुन पा रहे हैं। यहां सन्नाटे के लिए आहट विशेषण इसलिए है क्योंकि ध्वनिया उस सन्नाटे को बाधित कर रही है। यहां सन्नाटे को चीरते हुए बहुत दूर से कहीं ईंटों पर ईंटों के रखने की, फलों के पकने की, खबरों के छपने की और सोए हुए सहतूतों पर कीड़ों के जगने और रेशम के बुनने की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। यहां ध्यान दीजिए कि किसी दूर के भट्ठे में ईंटों पर ईंट रखे जाने की आवाज तो सुनाई पड़ सकता है, लेकिन फलों के पकने और रेशम बुनने की आवाज सामान्यतः कानों में सुनाई नहीं पड़ती। फल का पकना और रेशम का बुनना देखा जा सकता है, सुना नहीं, परंतु कवि को यह आवाजें भी सुनाई पड़ रही है। दरअसल कवि ने यहां बिंबों के माध्यम से कुछ दृश्य उपस्थित किया है जो कि कवि के सृजन कर्म का प्राण तत्व है। इन आवाजों में निर्माण है, जीवन की अर्थवत्ता है और उसकी पृष्ठभूमि अंधकार ही नहीं सघन अंधकार है। आपने सुना भी होगा कि दुख के चरम क्षण में सुख की रोशनी दिखाई पड़ती है, घोर विषाद में आनंद के भाव छिपे रहते हैं और घने अंधकार में भी सृजन की प्रक्रिया जारी रहती है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। और मुझे लगता है जुड़ा हुआ इन सारी नींदहीन ध्वनियों से खोए इतिहासों के अनगिनत ध्रुवांत पर मैं भी रचता रहा हूं। झुका हूं घंटों से इस कोरे कागज की भट्टी पर लगातार अंधकार अंधकार अंधकार। तो आइए इन पंक्तों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तों में कवि कहते हैं कि नींदहीन ध्वनियों में अर्थात अनवरत चलने वाली क्रियाओं जैसे ईंटों पर ईंटें रखना, फलों का पकना, खबरों का छपना और रेशम बुनना, यह सृजनात्मकता अथवा निर्माण की प्रक्रिया जारी है। ये सारी चीजें घने अंधेरे के बीच ही घटित हो रही है जिसे कवि सुन रहे हैं। ये महज चुप्पी लगाए बैठे हुए नहीं है। फलों का पकना रचनात्मक फल का भी होना या पकना है। स्मरण करें सूर्यकांत पाठी निराला जी की पंक्ति जिसमें उन्होंने लिखा है, दी है जगत को मैंने फूल फल किए हैं अपनी प्रभा से। अर्थात कवि ने अपने रचनात्मकता और सृजनात्मकता को जगत को समर्पित किया है। पकना यानी भावों का परिपक्व होना भी है। नींद में व्यक्ति अकर्मय हो सा होता है, कोई क्रिया नहीं होती। यहां कवि ने अति सुंदर ढंग से नींदहीन नींद ही ध्वनिया की संज्ञा दी है। कवि को लगता है कि इन नींदहीन ध्वनियों के लुप्त इतिहास के अनगिनत ध्रुवांतों पर कवि पहुंच जाता है, अर्थात अंधेरे समय में खोए हुए इतिहास के असंख्य ध्रुवांत पर पहुंचना और मानव जीवन के लिए उपयोगी तत्वों का संधान करते हुए कवि सतत रचनारत है। कवि कहते हैं कि कोरे कागज की भट्टी के लिए उपयोगी तत्वों का संसाधन करते हुए कवि सतत रचनारत है। यह कोई साधारण बात नहीं है। कवि आगे कहते हैं कि कोरे कागज की भट्टी पर लगातार मैं संघर्षरत हूं।
भट्टी में तपने और गलने के भाव को याद करे, बिना रेत और गले नई वस्तुओं को आकार नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार हृदय के निरभ्र कोने में भावों का आंदोलन, उद्वेलन और उच्छलन से ये कविता का जन्म संभव होता है। कवि ने जीवन और संघर्ष से अपने बिंब को अंकित किया है, श्रम प्रकृति जीवन को महत्व दिया है, अंततः यहां उसकी जीवन दृष्टि को भी भली भांति समझा जा सकता है। इस प्रकार इस कविता में मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि इस कविता का कद या उसका उजाला हमेशा कवि से भी बड़ा हो तो वह कालजय बनती है। कवि तो रचना प्रस्तुत करके रेशम की कीड़े की तरह सहतूत में अपने को समर्पित कर देता है। जब कभी भी कोई कवि आत्म मुग्धता में जीने लगता है और अपने को महान मान बैठता है तो उसकी रचना न महत्वपूर्ण बन पाती है और न ही कालातीत हो पाती है। कहने का तात्पर्य है कि कालजयी होने के लिए आत्मसमर्पण का होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।